नरेश सुंगू सर, आपका अपना चैनल दर्शी ऑल इन्फो में स्वागत करता हूँ। आज की तारीख 11 अक्टूबर है, जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है दर्शी ऑल इन्फो के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली के PDF अपडेट कर देता हूँ। और इस वीडियो का PDF इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रखा है। तो आपको याद रखना है, अभी आप अगर संघर्ष कर रहे हो तो आप अकेला महसूस करोगे, क्योंकि अकेला ही इंसान संघर्ष करता है और सफलता के बाद सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, यही रियलिटी है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कल का सवाल था, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। मैंने आपको ये भी बताया था ई कचरा क्लिनिक क्या होता है कल के वीडियो में। भोपाल जो है वहाँ देश का पहला ई कचरा क्लिनिक चालू किया गया, स्थापित किया गया। ई कचरा क्लिनिक मतलब यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कंप्यूटर, टीवी, मॉनिटर, फैक्स मशीन इत्यादि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उन सब का यहाँ पे कचरा जब जमा किया जाएगा उसे ई कचरा क्लिनिक कहा जाता है, जहाँ इसका पूरी तरीके से इसको सेट किया जाएगा। तो ये स्थापित हो गया है भोपाल में। जब बात दोस्तों भोपाल की आई है तो भोपाल के बारे में बता दूँ, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। साथ ही साथ भोपाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कमलनाथ, और जो वहाँ के गवर्नर है राज्यपाल उनका नाम है लालजी दास टंडन। उसी के हिसाब से सिक्किम दुनिया का पहला जैविक राज्य है। साथ ही साथ केरल में पहला स्पेस टेक पार्क ओपन किया गया, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। साथ ही साथ केरल में साइलेंट वैली शान घाटी स्थित है। अभी हाल ही में ये सवाल बहुत बार पूछा गया, केरल शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। और जो अंबिकापुर है वहाँ पे पहला गार्बेज कैफे, कचरा कैफे चालू किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। आपको इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में सुवर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला यहाँ पहली है, आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, पहली एशियाई महिला कौन बन गई है? तो पहली एशियाई महिला बन गई है सलवाईद नासिर जो बहरीन की है। यह सलवाईद नासिर जो बहरीन की है, और इन्होंने IAAF इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको बता दूँ। IAAF का लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में, और इसका हेड क्वार्टर है मोनाको में। साथ ही साथ जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, वो हिमा दास है। हिमा दास IAAF U20 चैंपियनशिप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला है। और साथ ही साथ में हिमा दास के बारे में बता दूँ, हिमा दास को ढीम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और वो यूनिसेफ की यूथ ब्रांड एम्बेसडर है, और वो आसाम से बिलोंग करती है इसलिए वो आसाम की भी ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही साथ दुति चंद्र जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है आपको, दुति चंद्र के बारे में आपको बता दूं, ये भी एक रनर है, एथलेटिक है, और भारत के ग्रीष्मकालीन मुकाबलों में 100 मीटर की रेस में क्वालिफाई इन्होंने अभी कर लिया है। और जो लास्ट है PT उषा उड़न परी, इनके बारे में आपको बता दूं, ये PT उषा जी उड़न परी जिन्होंने गोल्डन गर्ल के नाम से या पायली एक्सप्रेस के नाम से या कोइन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड इनके नाम से जाना जाता है। और इनको जो अवार्ड मिले थे वो अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 1983 में, साथ ही साथ इनको पद्मश्री मिला है 85 में। तो आपको इतने फैक्ट्स PT उषा के बारे में याद रखना है। और ये हिमा दास यूनिसेफ की यूथ ब्रांड एम्बेसडर जो आसाम राज्य से बिलोंग करती है। अगला सवाल है, C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपनहेग। ये डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ पे C40 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जलवायु आपातकाल का पहला देश है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा देश है आयरलैंड। साथ ही साथ आपको एक नाम जलवायु से जब आया है तो एक नाम हमेशा याद रखना है, ग्रेटा थनवर ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, और इनको वैकल्पिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये स्वीडन के है। ग्रेटा थनवर ये पूछा जा सकता है, ग्रेटा थनवर कहाँ के रहवासी है? तो ये स्वीडन के है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत पहले स्थान पर है और पहले 68 स्थान पर है और पहले स्थान पर है सिंगापुर, पहले स्थान पर है सिंगापुर। तो 2018 में कुछ इंडेक्स जारी किए गए थे, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं। वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक तो हो गया 68। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान था 140 और पहले स्थान पर था नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान था 140 और पहले स्थान पर था फिनलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान था 52 और पहले स्थान पर था स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का स्थान था 36 और पहले स्थान पर था यूएसए। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान था 78 और पहले स्थान पर था डेनमार्क। तो आपको इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में भारत को फ्रांस का कौन सा पहला राफेल फाइटर जेट मिला है? तो ये मिला है RB-001, राफेल 001। और राजनाथ सिंह अभी हाल ही में फ्रांस के दौरे पर है, आपको याद रखना है। तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला 36 राफेल जेट फ्रांस से लिया हुआ है, तो आपको इतना याद रखना है। केमिस्ट्री के लिए 2019 का नोबेल प्राइज के लिए किसका नाम चुना गया है? तो केमिस्ट्री के 2019 का नोबेल प्राइज है जॉन बी गुडिनफ, एम स्टेनली विटंगन और अकीरा योशोनी। इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इस साल दिया गया है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है जॉन बी गुडिनफ, इनका थोड़ा नाम ज़्यादा आ चुका है क्योंकि सबसे उम्र दराज, इनकी एज है 97, सबसे उम्र दराज व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल किया है वो यही है। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, साथ ही साथ सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको ये नाम याद रखना है, जॉन बी गुडिनफ, और ये वो तीनों लोग हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये नोबेल पुरस्कार का साइन, और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है जिन्होंने डायनामो का शोध लगाया था। और साथ ही साथ इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर में होती है और ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि उस दिन होती है, उस दिन ये दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है UNO द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके जो प्रेसिडेंट है प्रमुख वो है एंटी गुटेरेस, और वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, आपको ये याद रखना है। और जो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर है विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, और 5 सितंबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो 4 ऑप्शन आपके साथ है, साथ ही साथ मैं आपको हिंट के तौर पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आप कंफर्म कर सकेंगे कौन बनी है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये है वो महिला जिन्हें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया, और साथ ही साथ इन्होंने ओलंपिक में रजत पदक भी हासिल किया है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट दोस्तों।